पूछना चाहते हैं कि आप क्या नॉर्थ कोरिया इसको बना रहे हैं? वो पूरे भारत में ऐसा कौन सा संगठन है जिसका चुनाव 5 साल 3 साल में नहीं हुआ है? आपका कार्यकाल भाई बोल रहे हैं कि इस चुनाव में जो पारदर्शिता आनी चाहिए उसको लाया जाए। आखिर चुनाव की घोषणा 21 तारीख को हो रही है, 23 तारीख को व्हाट्सएप पर आ रही है में कि दुमका जिला इकाई का चुनाव करवा लेंगे, पाकुड़ का चुनाव करवा लेंगे, कोडरमा का चुनाव करवा लेंगे, गोड्डा का चुनाव करवा लेंगे और अपनी संख्या बल और ताकत को दिखाएंगे और उसका मिसयूज करेंगे। अरे हम लोग किसी पार्टी बोर्ड में, हमको तो डाउट भी लग रहा है कि प्रदेश महासचिव रामरंजन सर विद्यालय का संचालन भी करते कि नहीं करते हैं, इसका समझ भी से परे है। संथाल परगना धरती पर रहते हैं और संथाल परगना की धरती पर रहकर सिद्धू कानू को भूल जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने ना नियमावली नहीं बनाया। क्यों कर रहे हैं? देखिए हम लोग किसी चुनाव का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, चुनाव में पारदर्शिता लाए इस चीज की हम लोग मांग कर रहे हैं। और अब तक जो हम लोग लगभग 2012 से स्कूल का संचालन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग अनजान है कि झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आकर है क्या चीज और इसके अंतर्गत क्या कुछ हम लोग को बेनिफिट मिलने वाला है। अब तक हम लोग देखे हैं कि केवल जो बड़े विद्यालय है जो या जो कमिटियां हैं उसके द्वारा हम लोग शोषित होते आ रहे हैं, खासतौर पर छोटे और मंझोले विद्यालय। और हम लोग इस चुनाव का बहिष्कार नहीं कर रहे, हम लोग आग्रह कर रहे हैं प्रदेश महासचिव से और कुछ सवाल कर रहे हैं, बस वो सवाल का उनसे जवाब चाहिए कि अब तक 2 साल हो गए हैं, 2 साल हो जाने के बाद भी अब तक जो प्रदेश अध्यक्ष का जो पद रिक्त है उस पद को क्यों नहीं भरा गया है और अब उपाध्यक्ष जिंदा हैं तो उन्हें क्यों नहीं कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, जबकि दो दो उपाध्यक्ष अभी जिंदा हैं, एक फाउंडर मेंबर जो है उपाध्यक्ष मकसूद आलम वो जिंदा हैं, प्रदीप्त मुखर्जी वो भी उपाध्यक्ष हैं प्रदेश कार्यकारिणी में, वो भी उपाध्यक्ष, कम से कम उन्हें तो कार्यकारी अध्यक्ष बना देना चाहिए तब जाके इस चुनाव को संपन्न करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव का तौर तरीका क्या है, नियमावली क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। जो कुछ कमेटी के कुछ लोग, पूर्व कमेटी के कुछ लोग जो बात बोल रहे हैं वही सही है, बाकी गलत है। हम एक बात आपको बताते हैं कि 2018 में चुनाव हुआ था और 2019 में चुनाव हुआ था दुमका जिला इकाई का, इसमें वैसे लोग भी भाग लिए जो ऑलरेडी पहले से प्रदेश कमेटी में हैं। ऐसे में बताइए कि जो प्रदेश कमेटी में भी हैं और जिला में भी कोई सेक्रेटरी का चुनाव लड़ रहे हैं और मीडिया प्रभारी का चुनाव लड़ रहे हैं, ये कहां तक सार्थक है? और तो और 2019 में चुनाव में एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कोई विद्यालय का संचालन भी नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं केवल और केवल महासचिव जो रामरंजन सर हैं अपने खास आदमी को चुन करके अपना पद को बरकरार रखना चाहते हैं और डरा धमका करके छोटे मंझले विद्यालय को डरा धमका कर रखना चाहते हैं। आखिर बताइए आज तक इसके कार्यकाल में कितने ऐसे विद्यालय हैं संथाल परगना में छोटे और मंझले विद्यालय जिन्हें मान्यता प्राप्त हुई है? हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये चुनाव जो है वो पारदर्शिता के तरह हो और जो नियमावली है ये नियमावली हमने नहीं बनाया, ये बायलॉज हमने नहीं बनाया, ये बायलॉज जो है रामरंजन सर के द्वारा उनके कमेटी के द्वारा बनाया गया, उनके 7 लोग हैं इस कमेटी में, उन लोगों ने मिलकर बनाया है, 2013 में बनी है। हम तो महासचिव रामरंजन सर से बात पूछना चाहते हैं कि आप क्या नॉर्थ कोरिया इसको बना रहे हैं? वो पूरे भारत में ऐसा कौन सा संगठन है जिसका चुनाव 5 साल 3 साल में नहीं हुआ है? आपका कार्यकाल 3 साल का है, 3 चौके 12 साल हो गया, यहाँ तो 4 चुनाव हो जाना चाहिए। आप ऐसे गद्दी में बैठे हुए कि गद्दी से उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, चाहे वजन ही ज्यादा हो गया उस गद्दी में जैसे बैठे हुए। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि क्यों हम विरोध कर रहे हैं वो भी सुनिए, एक एक लाइन आपको बताते जा रहे हैं। कई नियम है उसके, जैसे प्रदेश अध्यक्ष का तो चुनाव हुआ ही नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि 30 तारीख ये संथाल परगना में रहते हैं और संथाल परगना की धरती से भोगनाडीह से हुल हुआ था, उस हुल को भूल जा रहे हैं, कैसे ये विद्यालय संचालक है? हमको तो डाउट भी लग रहा है कि प्रदेश महासचिव रामरंजन सर विद्यालय का संचालन भी करते कि नहीं करते हैं, इसका समझ भी से परे है। संथाल परगना धरती पर रहते हैं और संथाल परगना की धरती पर रहकर सिद्धू कानू को भूल जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने ना नियमावली नहीं बनाया, अभी सभी स्कूल जा रहे हैं, नए हो मंझोले हो पुराने हो, सभी से डरा धमका के 1100 1000 रुपया, किसी से 1500 किसी से 2000 रुपया लिया जा रहा है। हम इस लेने पे हमें ये ऐतराज नहीं है, लेकिन कहीं नियम तो होना चाहिए कि क्या नियम है इसको लेने का, क्या तरीका है इसको लेने का। और इससे पहले जो 6 साल के दरमियान जो तमाम जो पैसा लिया गया है, किसी से 2200 रुपया, किसी से 2600 रुपया, किसी से 30,000 रुपया, यहाँ उन तमाम पैसा का जो लेखा जोखा कहाँ है? और सबसे बड़ी बात, इस एसोसिएशन को बनाने के पीछे जो उद्देश्य रहा है, इस उद्देश्य में दुमका जिला इकाई या पूरे प्रदेश की जो इकाई खड़े उतरी है,
कई ऐसी समस्याएं भी उत्पन्न हुई है कई विद्यालयों के साथ, लेकिन उनके साथ कभी खड़े नजर नहीं आई है। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कि इस चुनाव में जो पारदर्शिता आनी चाहिए उसको लाया जाए। आखिर चुनाव की घोषणा 23 तारीख को 21 तारीख को हो रही है, 23 तारीख को व्हाट्सएप पर आ रही है, लेकिन हमारे पूर्व जिला कमेटी के द्वारा तमाम अखबारों में 18 जून को ही दे दिया जा रहा है कि 30 तारीख को चुनाव होने वाला। ये समझ में नहीं आ रहा है, आखिर यहाँ इलेक्शन को सेट कौन कर लिया है, क्या है इसके पीछे मकसद? 2024 का अंतिम समय में चुनाव होने वाला है, आपको हम बता दें 2019 में भी ऐसा ही चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस समय भी यही संगठन कहीं ना कहीं किसी एक खास पार्टी को समर्थन करने के पीछे इसका हाथ है, और कहीं ना कहीं इस बार वही मकसद है, और एक बड़ा खेल चल रहा है कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है, क्योंकि दिसंबर में झारखंड का विधानसभा चुनाव होने वाला है और कहीं ना कहीं महासचिव एक बड़ा रणनीति तैयार किए हुए हैं इसके पीछे में कि दुमका जिला इकाई का चुनाव करवा लेंगे, पाकुड़ का चुनाव करवा लेंगे, कोडरमा का चुनाव करवा लेंगे, गोड्डा का चुनाव करवा लेंगे, और अपनी संख्या बल और ताकत को दिखाएंगे और उसका मिसयूज करेंगे। अरे हम लोग किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं है, हमें तो अपने परिवार के बीच में रहना है, हमें तो अपने झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बीच में रहना है, लेकिन हमें याद है 2019 में भी इन लोगों ने वैसा ही किया था और कहीं ना कहीं 2024 में भी ये चुनाव करवा करके किसी खास पार्टी को मदद करेंगे। हमारा आग्रह है, हमारे साथ बैठे हुए हैं चुनाव आयोग विपिन सर और फाउंडर मेंबर है मकसूद आलम सर हैं और कोषाध्यक्ष है, ये तीनों फाउंडर मेंबर हैं, इन तमाम लोगों से आग्रह है, खासतौर पर महासचिव से भी आग्रह है, उन्हें हमें मैंने कल भी कॉल किया है, उन्हें मैंने बुलाया है, लेकिन उन्होंने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, वो जान रहा है कि आजाद विरोध कर रहा है, हम विरोध पूर्ण कर रहे हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप उस सवाल का जवाब दीजिए, आप हड़बड़ा करके कहे चुनाव करवा रहे हैं भाई, आप 23 तारीख को निकाल रहे हैं डेट, 21 तारीख का उसमें डेट डाल रहे हैं और 23 तारीख को आप उसमें बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं और चुनाव करवाएंगे 7 दिन के अंदर, ना वोटर लिस्ट दिए हैं आप, वोटर लिस्ट आपने दिया नहीं है, अब मैं ही उम्मीदवार बनूंगा, सदस्य कौन है मैं ही उम्मीदवार बनूंगा तो मैं कैसे जाऊंगा, मुझे टाइम देना चाहिए, 10 प्रखंड है, 117 स्कूल है लगभग, आपको तो उतना मालूम ही नहीं होगा, तमाम जो अभी जो चंगू मंगू घूम रहा है पूरे जिले में उसको तो कुछ मालूम ही नहीं होगा। अरे हम वैसा शख्स हैं कि 2019 में चुनाव हुआ था, दुमका जिला के तमाम वो स्कूल हम घूमे हैं, सवाल मेरा राम रंजन सर से वही है, और एक सवाल है कि आप जो नियमावली बना रहे हैं आप खुद बना रहे हैं, खुद तोड़ रहे हैं, आपने पत्रांक संख्या 21 तारीख को जो बातें बोली, फिर आप पत्रांक संख्या 2 में अलग बात बोल रहे हैं, पत्रांक संख्या 3 में अलग बात बोल रहे हैं, पत्रांक संख्या 5 में अलग बात बोल रहे हैं, हर पत्रांक में आपने अलग अलग बात बोल रहे हैं, कहीं आप बोल रहे हैं कि पूरा चुनाव जो है चुनाव आयोग के द्वारा होगा, फिर कहीं बोल रहे हैं कि महासचिव के निर्देशानुसार होगा, ऐसा नियम तो 2018-19 में आपने नहीं बनाया था, अब जाकर क्यों?